दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, आसमान से आई। क्या एक बार फिर से बागी बनने को तैयार है टाइगर श्रॉफ? क्या होने वाली है बागी 4 की खास बातें? इस बार कौन डायरेक्ट करने वाला है बागी 4 को? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज़, मैं हूं सोनिका जाल। दोस्तों, बॉलीवुड में आज के दौर के एक्शन स्टार की बात करें तो टाइगर श्रॉफ का ही नाम उसमें सबसे पहले आता है। हीरोपंती, बागी, मुन्ना माइकल, बागी 2, वॉर, बागी 3 जैसी फिल्मों के बाद तो उन्हें एक्शन हीरो ही कहा जाएगा। और आपको बता दें, लॉकडाउन से ठीक पहले बागी 3 रिलीज हुई थी जो बॉक्स ऑफिस पर औसत कारोबार कर पाई थी। अब साजिद नाडियाडवाला ने बागी 4 की अनाउंसमेंट कर दी है। जी हाँ दोस्तों, साजिद ने खुद इस बात की अनाउंसमेंट की है। टाइगर की हीरोपंती 2 भी 16 जुलाई 2021 को रिलीज होनी थी लेकिन लॉकडाउन के चलते शूट ही नहीं हो पाया। यानी कि दो फिल्में टाइगर को जल्द से जल्द निपटानी होंगी और सभी को इंतजार है। टाइगर श्रॉफ ने खुद ट्वीट करके बताया कि दो फ्रेंचाइजी एक इमोशन, हीरोपंती 2 और बागी 4। हीरोपंती 2 की जल्द ही शूटिंग होगी और बागी 4 के लिए आपको साजिद नाडियाडवाला सर के साथ बने रहना पड़ेगा। यानी कि दोनों फिल्में बैक टू बैक आएंगी। दोस्तों, टाइगर श्रॉफ ने 2014 में फिल्म हीरोपंती से ही डेब्यू किया था। और बागी सीरीज़ की बात करें तो सारी सुपर डुपर हिट थी, सिर्फ बागी 3 जिसने कि लॉकडाउन के चलते कम ही कलेक्शन कर पाया था, इसकी ओपनिंग वीक में ही 87.25 करोड़ की कमाई हो गई थी। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो ये भी 500 करोड़ आसानी से छू लेती। बागी 4 की बात करें तो पूरे 25 देशों में इसका शूट होना है और इस बार एक्शन दमदार होने वाला है। अहमद खान ही इसे करने वाले हैं जो कि हीरोपंती 2 और बागी 4 को डायरेक्ट करेंगे। वहीं पिछली बार जैसे सल्विया में इसकी शूटिंग हुई थी, इस बार और भी अलग अलग देशों में होगी और एक्शन अलग ही लेवल का होगा। हॉलीवुड टीम हायर की जाएगी और बहुत कुछ होने वाला है बागी 4 में। जैसे ही टाइगर श्रॉफ अपनी कुछ फिल्में हैं उनकी शूटिंग बची है क्योंकि वो गणपत चैप्टर 1 की शूटिंग पूरी करेंगे पहले, उसके बाद वो हीरोपंती 2 और फिर आएगा बागी 4 का नंबर। तो टाइगर श्रॉफ भी बिजी एक्टर में से एक है। अब देखना होगा बागी 4 की शूटिंग वो कब तक खत्म करते हैं और कब इसे रिलीज करते हैं। आपको कितना इंतजार है बागी 4 का, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को।